हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रामेश्वरम। तो हम लोग कल रामेश्वरम आया था, रूमी था। आज सुबह फ्रेश अप होके रेडी होके पहले तो स्वामी का दर्शन करने के लिए हम लोग रामनाथ स्वामी टेम्पल आ गया। 100 रुपीज़ का टिकट, स्पेशल दर्शन टिकट ले लिया। बहुत भीड़ है, नहीं तो हम लोग गाड़ी उधर पार्क किया उसकी टेंशन होगा, इसलिए फिर दर्शन करके बाहर आ गए। तो आप लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए वीडियो कर रहे हैं। अंदर तो ये सब अलाउड नहीं है, रूल्स हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो नाउ वी आर स्टैंडिंग इन रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वर। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फ्रॉम रामेश्वर। देखो ये टेम्पल का ब्यूटी, ये पिलर्स होते हैं। हम लोग उनका नाम क्या थी, राजा कल्पन है ना, वो हेल्प किया था ना उन्होंने। हमारे फॉलोवर है, कितने अच्छे से हम लोगों का मदद कर रहे थे। उन्होंने बताया ये 1210 कुछ ऐसे ही पिलर्स है, 30 इयर्स में ये कंप्लीट किया है। इतना देख लो कितने अच्छा है। बोल्ट हम लोग है ना, एक साइड से ऐसे ही देखते तो एक ही लाइन में करेक्ट मेजरमेंट कुछ है। उस वक्त इतनी क्या है ना, मॉडर्न फैसिलिटी कुछ भी नहीं थे, तो इतनी अच्छी आर्किटेक्ट किया है लोग, कितनी ब्यूटीफुल बनाया है ये टेम्पल है ना शोशु। ये टेम्पल इतनी फेमस है, देख लो इसका आर्किटेक्चर इतने अच्छे हैं। तो हम लोग हैप्पी हो गया, उन्होंने हम लोगों को बता दिया ये पूरे थोड़ी बहुत कुछ हिस्टोरी ज्योग्राफी सब हमारे साथ बात किया था। देख लो पीछे इतनी अच्छे लग रहे हैं। हम लोग अभी वॉकिंग करके बाहर जाने की रास्ते की तरफ जा रहे हैं कि बहुत लोग विजिट कर रहे हैं। और उधर है ना स्पेशल दर्शन भी है, नॉर्मल दर्शन है। 100 रुपीज़ में स्पेशल दर्शन होते हैं, नॉर्मल है तो ऐसे फ्री में भी होते हैं। तो अभी हम लोग धीरे धीरे देख लो मेन टेम्पल से थोड़ा इस तरफ आ गया। अभी बाहर जाने का और भी ऐसे ही रास्ता है, तो बाहर आने से ये गोपुर सब देखने में इतनी ब्यूटीफुल है शोशु, इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनाया। तो हम लोगों का नज़र देखो उधर पहुंच गया, देख लो इतने अच्छे हैं। उधर से ये टेम्पल का वो ऊपर की सीनरी अभी आप लोग देख रहे हैं, बाहर से एक बार दिखा देंगे। अभी एक अच्छा नज़ारा आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, देख लो ये शूल इधर देखने से ना डमरू के साथ वो देखने से कितने अच्छे लग रहे थे। मैंने शोशु को बताया हम लोग ये त्रिशूल का अच्छा लग रहा है, थोड़ा वीडियो ले लेंगे, देख ले शोशु कितना अच्छा लग रहा है ना शोशु, ये तो देखने में इतने ब्यूटीफुल थे। तो हम लोग सोचे बाहर कहीं मेन मंदिर से थोड़ा इस तरफ आने से ये दिखाई देता है। इधर बहुत कुछ है ना शोशु, स्नान करने का लोग आते हैं, बहुत पूजा चलते हैं, अलग अलग है। हम लोग बस टेम्पल दर्शन करके आ गया है, देख लीजिए। तो देख लो अभी तो देख लो हम लोग बाहर आने से है ना, ऊपर देखो माथे पे वो क्या लगा दिया है इसे, उधर बाहर लोग है लगाने के लिए। तो हम फुल बाहर आ गया है अभी, देख लीजिए बाहर से एक बार मंदिर का दर्शन कर लीजिए। तो देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने के लिए। तो हम लोगों का दर्शन हो गया, काफी से बाहर आ गया, तो अभी आगे चले। हाय, तो हम लोग रामनाथ स्वामी टेम्पल दर्शन सब हो गया, बाहर आ गया, थोड़ा दो इडली खा लिया है ना शेषु। हाँ। पार्किंग का थोड़ा टेंशन था, हम लोग अर्ली मॉर्निंग था ना, लाइट भी नहीं है, फिर दूर में डाल दिया, अराउंड 1.5 किलोमीटर दूर में हम लोग इसको पार्क किया था। वो एक टेंशन थी क्योंकि प्रॉपर पार्किंग प्लेस नहीं थी, जहाँ थोड़ा जगह मिल गया उधर हम लोग डालकर आ गया। इसलिए फिर जल्दी जाकर गाड़ी देखने के लिए मुझे ऐसे थी शोशु, हम लोग जल्दी जाकर गाड़ी ले लेंगे करके फिर गाड़ी ले लिया हम लोग है ना। रामनाथ श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम दर्शन कर लिया। उधर हम लोगों को क्या है ना, हमारे एक फॉलोवर थी, फॉलोवर नहीं उनका कितने रेस्पेक्ट से थी, राजा कर्पन ऐसे ही थी। उन्होंने बोला हम लोग गाड़ी पार्क करने के लिए उधर देखते वक्त ही उन्होंने आ गया था, हम लोग देखा नहीं था। फिर बाद में हम लोग दर्शन के लिए मंदिर के अंदर ऐसे वॉकिंग आते तो जल्दी आकर हम लोगों को बात किया, हम लोगों को पूरा वीडियो देख रहे फॉलो करते बोल दिया, फिर हमारे साथ आकर बहुत एक्सप्लेनेशन करके दे दिया मंदिर के बारे में है ना शिष्य। हाँ। तो एक्सप्लेनेशन दे दिया वो पिल्लर सब बनाने के बारे में, क्योंकि 30 इयर्स
कंटिन्यूस काम करके जल्दी बनाया, ऐसे बोल रहे थे। 30 ईयर्स में उतना पूरा मंदिर बना दिया, एक एक पिल्लर है ना कितने अच्छे से बनाया है, टोटल 1210 कुछ बोल रहे थे उन्होंने। और एक बात बोला कि उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी नहीं है तो भी एक एक पिल्लर ऐसे हम लोग स्ट्रेट देखते तो करेक्ट लाइन में है, वो सब उन्होंने बात किया। उधर का क्या है ना, एक एक आइडल के बारे में बहुत बात किया था अच्छे से। हम लोगों को जहाँ दर्शन जाना है टोकन लेना उधर तक छोड़ कर गया था, है ना शेषम। उनकी नाम थी राजा करपन रामेश्वरम, फिर उन्होंने उनका नंबर देकर हमारा नंबर भी नहीं लिया ना। वो भी एक अच्छी बात है, कुछ लोग हम लोगों को एक मिस कॉल करो करके फिर बाद में टॉर्चर करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे नंबर ले लो करके शोशु भीड़ कर दिया, बोला कभी भी रामेश्वर में कोई भी कुछ भी आपको जरूरत है तो बोल दो, वो ही रेस्पेक्ट होता है ना शोशु। हम लोगों को टॉर्चर भी नहीं किया, हम लोगों के साथ आराम से आकर दर्शन, बाहर का सब दर्शन करवाया, मेन मंदिर जाने के रास्ते में उधर आकर सब अच्छे से। हम लोग है ना, कुछ कुछ लोग हमारे मन में ऐसे रेस्पेक्ट बन जाते हैं ना, वैसे ही थी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर रेस्पेक्ट, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।